गंतव्य उससे कहा कि रो मत माँ सुचे चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बही उसने कहा कि सूर्योदय के पहले गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष पीपल के पेड़ के पास तो गंतव्य तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें वहां पर आना होगा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, दास्यामी दा धातु का लीट लकार है, लीट लकार गागेगी का प्रयोग होता है उसमें। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, कव्वे ने उसे कहा कि गांव के किनारे में पीपल का जो वृक्ष है उस पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाओ, मैं तुम्हें चावलों का दाम दे दूंगा, जो भी मैंने खाया जो भी मेरा खर्च तुम्हारा खर्च हुआ है उन चावलों का मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रकर्षिता बालिका निद्रा अपनी न ले भे और लड़की खुश हो गई और खुशी के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। सूर्योदयात पूर्व सा तत्वोपस्थिता, सूर्योदय होने के पहले ही वो लड़की उस गांव में गांव के किनारे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे पेड़ के पास पहुंच गई। बिछे सोपरी बुले के साथ आश्चर्यचकिता समझाता वृक्ष के ऊपर देख करके वो लड़की बहुत आश्चर्यचकित रह गई। तत्र स्वर्णमय प्रासादे वर्तते, पीपल के पेड़ के ऊपर एक सोने का महल था। यदा काका शयिता प्रवद सदा, यदा काका शयित्वा प्रबद स्तदा, जब कौआ सोकर उठा तेन स्वर्ण गवाक्ष से तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम, गवाक्ष मतलब था खिड़की, जब कौआ सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की खोलकर बाहर झांका और कहा हाँ हो बाली, अरे लड़की आ गई तो हम आ गता तुम आ गई तेज तक अहम तत्क्रियते सोपानम अवतार्यामी, अरे लड़की तुम आ गई रुको रुको तुम पेड़ पर चढ़ नहीं पाओगी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी गिराता हूँ। तत्कथय स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय भवा, अब तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी गिराऊं चांदी की सीढ़ी गिराऊं या तांबे की सीढ़ी गिराऊं, स्वर्णमय सोने की रजतमय चांदी की एंड ताम्रमय भवा या तांबे की। कन्या प्रावोचत, कन्या ने जवाब दिया अहम निर्धन निर्धन माता दुहिता अस्मि, ये वर्ड को आप लोग ध्यान से देखो, निर्धन माता दुहिता, निर्धन मातु दुहिता, निर्धन प्लस मातु प्लस दुहिता, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूँ। ताम सोपाने आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही